हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो नीट यूजी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जो भी स्टूडेंट्स नीट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और नीट यूजी 2022 के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम देना जा रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो गाइस, दो अर्जेंट ऑफिशियल नोटिस जारी हुए हैं नीट यूजी स्टूडेंट्स के लिए और अभी भी सीटें वैकेंट बची है। जिन भी स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना हो तो ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों से रिलेटेड की अपडेट आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इससे पहले गाइज, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नीट यूजी से रिलेटेड की हर टाइप की इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे और ये पूरी इंफॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। साथ में फ्रेंड्स, यदि आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अन अकेडमी आपके लिए लाया है अमेजिंग ऑफ़र, जो आज से पहले कभी भी नहीं हुआ। 45 दिन का प्लस सब्सक्रिप्शन अब 299 में, और 299 पर भी अगर आप प्रिया 18 कोड यूज़ करेंगे तो आपको फ्लैट 20% का ऑफ मिलेगा। तो गैज, ये जो आपका टाइम वैलिड टाइम रहेगा 23 अप्रैल टू 30 अप्रैल तक रहेगा ये सब्सक्रिप्शन लेने का, उसके बाद जो अमाउंट है वो इंक्रीज कर दी जाएगी। तो अभी आपके पास गोल्डन चांस है। अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन लीजिएगा 23 अप्रैल से 30 अप्रैल, उसके बाद जो प्राइजेस है वो राइज हो जाएंगे, हाइक हो जाएंगे। आपको लाइव क्लासेस आपको मिलेगी टॉप एजुकेटर्स से 24/7, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो आप सॉल्व करवा सकते हैं, और CBSE बोर्ड प्रिपरेशन के लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी। तो गाइज, आपका जो नीट यूजी जो जनवरी है वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि एग्जाम जो डेट है वो 17 जुलाई अनाउंस हो चुकी है। तो फटाफट से, पहले सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के थ्रू आपको क्लासेस मिलेगी, इंटरएक्टिव लाइव क्लासेस होगी, लाइव टेस्ट आपके टाइम टू टाइम कंडक्ट करवाए जाते हैं, क्विजेज कंडक्ट करवाए जाते हैं अन अकेडमी के थ्रू, और जो आपका कोर्स रहेगा, जो स्ट्रक्चर्ड कोर्स, जो सिलेबस वाइज कोर्स होगा वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको PDF भी अवेलेबल करवाई जाएगी। तो गाइस, प्रिया 18 कोड यूज़ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको इस पर भी फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो याद रखिए गाइस, 30 अप्रैल लास्ट डेट रहेगी, उससे पहले पहले सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से डायरेक्टली आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, वहाँ से डायरेक्टली आप इनरोल कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको नीट का एग्ज़ाम क्रैक करना है तो अन अकेडमी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अब गाइज, हम बात करते हैं, दो अर्जेंट ऑफिशियल नोटिस जारी हुए हैं नीट यूजी को लेकर, और जो स्टूडेंट नीट 2021 की काउंसलिंग अभी तक चल रही है ये आप सभी को पता है। ऑल इंडिया कोटा के 4 राउंड कंप्लीट होने के बाद जो सीटें वैकेंट रह गई थी, तो एक 5वां राउंड भी कंडक्ट करवाया गया, स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड, और उसके थ्रू जो सीटें हैं वो भरी गई। अब बात करते हैं स्टेट कोटा की, तो स्टेट कोटा के भी जो राउंड है, 4 राउंड कंप्लीट हो गए हैं, अब 5वां राउंड, वो भी जो भी सीटें वैकेंट बची है वो अपना फिल करवा रहे हैं 5वें राउंड के थ्रू। तो गाइस, दो अर्जेंट ऑफिशियल नोटिस जारी हुए हैं, तो आज मैं वही इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। जो स्टूडेंट्स नीट यूजी 2022 का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो फटाफट से फॉर्म फिल कीजिएगा लास्ट डेट जाने से पहले पहले, और गाइस आपको इससे हेल्प मिल जाएगी कि 2021 की जो काउंसलिंग है कितने मार्क्स तक के स्टूडेंट का फाइनली जो है वो सिलेक्शन हो रहा है। क्योंकि अब जो सीटें हैं स्टूडेंट्स को लास्ट, मतलब 5वां राउंड जो एक्सपेक्ट नहीं किया था वो राउंड भी हो रहा है, और उसके अंदर भी गाइस गवर्नमेंट सीटें जो है स्टूडेंट्स को मिल रही है। तो आज हम पहले बात कर लेते हैं जो दो अर्जेंट ऑफिशियल नोटिस जारी हुए हैं उनकी, तो देखिए। सबसे पहले गाइज, हम देखते हैं जो टोटल अभी आफ्टर स्ट्रे वैकेंसी राउंड, जो स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड है, उसके अंदर कितनी सीटें वैकेंट बची है। सबसे पहले मैं बात करूंगी हरियाणा स्टेट की, तो आप यहां से देख सकते हैं पंडित बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज रोहतक में जो टेंटेटिव पोजिशन है वैकेंट सीट्स की MBBS और BDS कोर्स के लिए अकेडमिक सेशन 2021-22 आफ्टर स्ट्रे वैकेंसी राउंड, तो कितनी जो सीटें हैं वो आपकी रिमेनिंग बची है। तो गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपन
कैटेगरी का दिया गया है, मैनेजमेंट कोटा की दी गई है। यहाँ पर कॉलेज नेम दिए गए हैं कि कितनी सीटें वैकेंट है, और पहले यहाँ पर जो दिया गया है वो BDS का दिया गया है, आफ्टर दैट MBBS की सीटें दी गई है। तो सबसे पहले अगर हम BDS की सीटों की बात करें तो देखिए कितनी सीटें वैकेंट है। PGI रोहतक के अंदर ही ओपन कैटेगरी की 2 सीटें वैकेंट है। जननायक चौधरी देवीलाल 50 सीटें वैकेंट है। JN जवाहरलाल नेहरू कपूर DAV सेंटर डेंटल कॉलेज यमुनानगर 19 सीटें वैकेंट है। तो गाइज BDS की अगर मैं टोटल मिलाकर बात करूँ तो 382 जो सीटें हैं वो आपकी वैकेंट है, ठीक है, मैनेजमेंट कोटा की, और 2 सीटें हैं आपकी ओपन कैटेगरी की। तो 384 सीटें फिलहाल BDS की, जो BDS कोर्स है उसकी सीटें वैकेंट है। अब गाइज हम बात करते हैं जो मेडिकल कॉलेजेस MBBS के लिए है उनमें कितनी सीटें अभी भी वैकेंट बची है। तो इसमें पंडित भगवत दयाल शर्मा PGIM रोहतक की अगर बात की जाए तो ओपन कैटेगरी की गाइज 2 सीटें वैकेंट है। ऐसे ही यहाँ जो कुरुक्षेत्र के अंदर कॉलेज है आदिश मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल शाहबाद के अंदर, उसमें 1 सीट जो है वो वैकेंट है। NC मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल पानीपत में 2 सीटें वैकेंट है अभी भी। और गाइज जो SGT यूनिवर्सिटी गुड़गांव के अंदर है उसमें 1 सीट वैकेंट है। अल फलाह स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर फरीदाबाद में 1 सीट वैकेंट है। तो टोटल मिलाकर ये 5 सीटें वैकेंट है, और ये 2 सीटें तो MBBS की 7 सीटें गाइज अभी भी वैकेंट है, ठीक है। तो ये था हरियाणा स्टेट के स्टूडेंट के लिए। अब हम चलते हैं जो सेकेंड ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है उसकी तरफ। तो देखिए, तो गाइज़ ये आप देख सकते हैं लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिस है जो कि जारी हुआ है, ठीक है। तो पब्लिक नोटिस स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड को लेकर है। तो इसके अंदर क्या दिया गया है, सभी को इन्फॉर्म किया जा रहा है कि जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो भी वैकेंट सीटें बची है MBBS और BDS की, गवर्नमेंट एडेड और प्राइवेट अन एडेड मेडिकल डेंटल इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, तो आपको कहाँ पर पहुँचना है, इंक्लूडिंग दोज अंडर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, फॉर एग्जाम्पल SGT यूनिवर्सिटी, बुढ़ेरा, गुड़गांव, अल्फला यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर दिया गया है ये जो काउंसलिंग होगी गाइस, फिजिकल काउंसलिंग होने वाली है, ऑफलाइन काउंसलिंग होने वाली है, और कब होगी, 28 अप्रैल को मॉर्निंग 9 AM आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और आपको कहाँ पर पहुँचना है वो भी देख लीजिएगा। जो वेन्यू रहेगा काउंसलिंग का वो रहेगा कमिटी रूम ऑफ डायरेक्टर PGIM रोहतक आपको पहुँचना है। जो टर्म एंड कंडीशन रहेगी वो जो पहले टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो सेम रहेगी, ठीक है। यहाँ पर कुछ नोट दिया गया है जो आपको नोटिस के अंदर या जो इंस्ट्रक्शंस दी गई है वो आपको फॉलो करनी है। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं जो अपनी सीट को रिजाइन कर चुके हैं आफ्टर स्टे वैकेंसी राउंड, वो अलाउ नहीं किए जाएंगे स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ऑर्डर्स, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो सेकेंड ऑफिशियल नोटिस, जो सेकेंड नोट दिया गया है वो दिया गया है, जो भी कैंडिडेट डिपॉजिट करेगा जो ट्यूशन फी रहेगी फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट के टाइम पर एज अ डिमांड ड्राफ्ट, जो कि किसके फेवर में होगा, काउंसलिंग एंड एडमिशन ऑन अकाउंट ऑफ DMER पेमेंट पेएबल एट सांपला रोहतक, ठीक है, इसके फेवर में डिमांड ड्राफ्ट जो है वो आपका होगा। और जो पर्सनल अपीयरेंस रहेगा स्टूडेंट का वो होना जरूरी है विद ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन फ्रंट ऑफ द एडमिशन कमेटी एट पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज, ठीक है। उसके बाद गाइज जो भी आपकी डिपोजिशन फी रहेगी, जो डिटेल है वो दिया गया है एनेक्सर के अंदर, जो फी आपको डिपॉजिट करवानी है कितनी फी रहेगी, और जो डिपोजिशन आफ्टर डिपोजिशन जो आप ट्यूशन फी है वो डिपॉजिट करवाने के बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कैंडिडेट का, वो विल हैव टू सबमिट देट ज्वाइनिंग ऑन द स्पॉट, ठीक है। तो सभी को इन्फॉर्म किया जा रहा है, जो भी एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं उनको रेगुलर होना चाहिए, जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर रेगुलर उनको विजिट करनी है। ये ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, ये दिया गया है जहाँ पर आपको रेगुलर विजिट करते रहना है ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो, या फिर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसके थ्रू भी आपको पता चलता रहेगा। तो गाइज़ यहाँ पर जो ट्यूशन फ़ी है कॉलेज वाइज वो दी गई है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कॉलेज का कोड दिया गया है, किस कोर्स में कितनी फ़ीस है, तो यहाँ पर BDS और MBBS दोनों ही कोर्सेज दिए गए हैं, यहाँ पर कोड दिया गया है, और यहाँ गाइस कॉलेज नेम दिया गया है कि किस कॉलेज की कितनी फ़ी होगी। और यहाँ पर दिया गया है जो आपका स्टेट कोटा और मैनेजमेंट कोटा की जो फ़ी रहेगी वो कितनी रहेगी। तो आप देख सकते हैं काफ़ी कॉलेजेज ऐसे भी है जिनकी काफ़ी कम फ़ी है, जैसे आप देखेंगे स्टार्टिंग का कॉलेज ही तो 52,000 फ़ीस है, लेकिन आप लास्ट तक जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि बहुत ही ज़्यादा जो है
है फीस स्टूडेंट्स की कंडक्ट करवाई जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से गाइज अगर मैं लास्ट कॉलेज की बात करूँ तो देखिए 6,37,500, 9 लाख जो मैक्सिमम ज़्यादा जो फी है गाइज वो 9 लाख पर है एडमिशन स्टूडेंट्स का। अब ये देख लेते हैं हम 9 लाख पे कौन सा कॉलेज, SGT यूनिवर्सिटी गुड़गांव की जो फ़ी है वो गाइज 9 लाख है। ठीक है, तो ये आपकी ट्यूशन फ़ी दी गई है। तो आप लोगों के पास एक लास्ट मौका है, इसके बाद कोई और मौका नहीं दिया जाएगा। 28 अप्रैल को ऑफलाइन काउंसलिंग होने वाली है, इफ़ यू वॉन्ट टू टेक द पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग, और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो। और गाइज फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।